आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड मैन्युफैक्चरिंग। इसका नाम है मटेरियल इशू टू पार्टी। आपको पहले मैं सिखाया था स्टॉक जनरल वाली मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, कि माल को अगर कहीं जगह प्रोसेस होते हैं ना तो हम कौन सी मैन्युफैक्चरिंग का यूज़ करते हैं। हाँ, बट वीडियो नहीं बनी ना इस मैन्युफैक्चरिंग की, तो इस वीडियो की मैन्युफैक्चरिंग वीडियो बना रहे, तो उन लोगों के लिए भी हो जाएगा। तो आज हम एक टॉपिक करते हैं और उसके पूरे काम को, प्रोसेस को समझते हैं। जैसे मेरे पास ये कंपनी है, ठीक है, सबसे पहले कंपनी को ओपन बनाता हूँ आप, ठीक है। मैंने इस यहाँ पर एक कंपनी बनाई जिसका नाम मैंने रख दिया ठीक है, और इसका मोबाइल नंबर 9216161132। देन इंटर मार के मैंने इस कंपनी को सेव कर दिया। बाकी जो नॉर्मल आप चीज़ें इन्फॉर्म इसके अंदर सेव करते हो, आप वही चीज़ सारी सेव करते हुए आओगे। देन हम इस पर चलते हैं सेव। तो सबसे पहले आएगा डू नॉट कॉपी एनीथिंग। तो हम ये जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इस मैनिंग का प्रोसेस क्या होता है। जैसे मैंने माल खरीदा और मैंने आपको दे दिया अमन बनाने को, आप बना के ले आए, मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गई। तो इसको क्या बोलते हैं, मटेरियल इशू टू पार्टी। हम मटेरियल इशू करते हैं, उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग खुद करके लाता है और हम उसे रिसीव कर लेते हैं। इस मैन्युफैक्चरिंग को कैसे करते हैं बीजी के अंदर आप देखते हैं हम लोग। हाँ, 70% ये वाली होती है, 30% आपकी इन हाउस वाली होती है, जिसको हम स्टॉक ट्रांसफर वाली बोलते हैं। हाँ सोनू, नमस्ते। चल मैं सभी पूछ तेरे को बताता हूँ। चल कोई नहीं, मैं वैसे पूछता हूँ कि लगवाना लगवाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। नहीं, वो एक्चुअली वो काम कर रहा था ना पार्ट टाइम, अब उससे परमिशन तो ले लूँ, जो कहेगा आप मैं भी कर रहा हूँ, आपने उसको भी भेज दिया, मुझे भी भेज दिया। चल मैं सभी फ़ोन करके तो बताता हूँ क्या चाहता है। ओके, देखो यहाँ पर ए पासवर्ड एक डाल के हम सेव कर देंगे, उसके बाद हम काम जाएंगे, उसके बाद हम आएंगे इन्वेंट्री में, और जो हम नॉर्मल सेटिंग करते हैं इसमें हम फीफो आइटम डाल के दो बार अपने कीबोर्ड पे सेव कर दें, हो गया सेव। देन हमें देखो परचेज करा, जब थोड़ा सा परचेज करते हैं, हमने कब परचेज करा, 9 तारीख को परचेज करा, जिसका बिल नंबर कितना 000। ये किसको इशू करा हमने, किससे खरीदा, अमित। तो यहाँ पर हम F3 करके किसका नाम बना लेंगे, अमित का, और ग्रुप में क्या लिखेंगे, SUN, सन्डी क्रिएटर। सन्डी क्रिएटर्स कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिससे माल खरीदने को मुझे पैसा देना था। अब कौन से फ्लोर में माल रखना है, जहाँ रखना है उस फ्लोर का नाम डाल देंगे। देन ट्रांसपोर्ट को आप स्कैप बटन करके हटाइए। देन क्या क्या खरीदा आपने बोला, चैन खरीदो, तो आप यहाँ पर चैन लिख देंगे। चैन किस में, पीस में आ रही है, ठीक है। एक पीस की वैल्यू आपकी 5 रुपये, आपने 15,000 खरीदी, कितनी खरीदी आपने, 15,000 खरीदी। चैन के बाद हमारा आता है अस्तर, खरीदे तो हम यहाँ पर अस्तर लिख देंगे। अस्तर हमारा किस में आता है, मीटर में, तो हम यहाँ पर मीटर, उसने बोला 1 मीटर की वैल्यू कितनी है, 20 रुपये, कितने 1500 मीटर, हो गया। अस्तर के बाद हमारा आता है बटन, तो हम यहाँ पर बटन लिख देते हैं, बटन कितने 15,000, एक पीस की वैल्यू 2 रुपये, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 15,000, हो गया। देन हम इसको सेव कर देते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट बिल हमने किससे खरीदा है, सुनील से, कब खरीदा है, 4 तारीख को, बिल नंबर 1403, पार्टी का नाम क्या है, सुनील एंटरप्राइजेस, तो यहाँ पर डाल देंगे हम, ग्रुप में सिंडिकेटर्स लिख के इसको नो करके हम सेव कर देंगे। क्या आइटम खरीदी हमने इससे, जोरा 16 से, तो F3 करेंगे, यहाँ पर हम आइटम का नाम लिखेंगे और जोरा 1680 डाल देंगे। किसमें आता है हमारा, मीटर में, तो हम क्या करते हैं सेपरेट हम एक अलग बना देते हैं माल का, हम किस नाम से, किलोथ के नाम, उसको यस कर देंगे, क्योंकि मतलब सेल्फ ग्रुप हो गया। किसमें, मीटर में, एक मीटर की वैल्यू कितनी हमारी, 50 रुपये, तो हम 50 रुपये डाल के F2 करके सेव कर दें, कितनी क्वान्टिटी है 1100। देन F2 करेंगे और सेव कर देंगे। देन नेक्स्ट बिल हमने किससे खरीदा है, 4 तारीख को, 903, पार्टी का नाम क्या है, राम ट्रेडर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे राम ट्रेडर, और ग्रुप में क्या लिख देंगे, SUN, सन्डी क्रिएटर्स। सन्डी क्रिएटर्स कौन होते हैं, वो लोग होते हैं जिनसे हम माल खरीदने को हमें पैसा देना होता है। देन क्या खरीदी हमने, इसे डायनेम खरीदा, तो हमें F3 करके अपने कीबोर्ड पे
डायनम बनाएंगे उसको, किलो डाल दें। किलो हमारे किस में आता है, मीटर में। एक पीस की वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज़। तो यहाँ डाल दें कितना पीस था, 1500। तो सेव कर दें। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट बिल हमने कितना खरीदा, 8 तारीख को, क्या किससे खरीदा है, 1701। किससे, सुमित। हम लिख देंगे सुमित, सुमित ग्रुप में क्या डाल देंगे, संडी क्रेडिट। संडी क्रेडिट्स कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनसे मार्केटिंग को हमें पैसा देना होता है। सुमित के बाद हमारा कौन क्या खरीदा हमने, किलो। तो हमें लिख देंगे किलो, किलो हमारा किस में आता है, मीटर में। तो हम मीटर डाल दें। एक पीस की वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज़। तो 100 रुपये डाल के दो बार अपने कीबोर्ड पे F2 बटन दबाएं, कितनी क्वांटिटी, 1800। F2 एंड देन सेव। नेक्स्ट बिल हमने किससे खरीदा, अमित से। 9 तारीख का बिल नंबर 0002, किस नाम से, अमित, ठीक है। देन सेम वही आइटम में खरीदी मैंने, चेन खरीदी 1100, ये बनी हुई तो इसलिए इसे बनाएंगे नहीं। देन अस्तर 1000। अस्तर के बाद हमारा आता है बटन, बटन कितना हमारा, 1500 डाल देंगे, हो गया। और देन सेव करें। अब इसके बाद मुझे मटेरियल इशू करना है कि अब वो मेरे पास आया, कह रहा है कि सर मुझे माल दे दो माल बनाने के लिए। तो हम कहाँ पर जाएंगे, कब, सबसे पहले कहाँ जाएंगे, मटेरियल इशू टू पार्टी। पहले हम उसको माल इशू करेंगे कि तो भाई माल उठा ले और ले जा। उसके लिए हमें एक टॉपिक अनेबल करना पड़ेगा, कौन सा वाला, फ्यूचर ऑप्शन में जाके इन्वेंट्री के अंदर अकाउंटिंग एंड प्योर इन्वेंट्री वाला, तीनों पर टिक कर देंगे, हो गया टिक आपका, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ जाएंगे हम, कहेंगे मटेरियल इशू टू पार्टी, कब दे रहे हैं, तो उसने बोला हमें 9 तारीख को, हमने उसको ट्रांसफर करा है। अभी आप देखोगे यहाँ पर एक ही चीज़ आई जिसका लिखा है टू बी ट्रैक विद पार्टी। अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा हमने उसको माल इशू करा है नहीं करा, तो हमें एक और टॉपिक अनेबल करना पड़ेगा जिसका नाम है अनेबल जॉब वर्क। क्या टॉपिक है, अनेबल जॉब वर्क। इसको क्लिक करेंगे, देन अनेबल जॉब वर्क फ्रॉम आउटसाइड पार्टी। उसका अकाउंटिंग मेंटेन करना है, कितना ले जा रहा है, कितना बचा है, हमें सब मेंटेन करना है। हाँ, ये ट्रांसफर, ठीक है, स्टॉक ट्रांसफर में नहीं होती, स्टॉक ट्रांसफर में ये करते हैं, बस इतना करके आप शो हटा दीजिए। देन सेव, ये लिस्ट होती, देन आप इस पर आइए ट्रांजेक्शन पे। अब आओ मटेरियल इशू टू पार्टी, कब करना है, मैंने बोला 9 तारीख को। क्या इशू करना है, मैंने कहा इशू फॉर जॉब वर्क, किस लिए दे रहे हैं हम, उसको जॉब वर्क के लिए। पार्टी किसको दे रहे हैं हम, रोहित को। तो हम एफ थ्री करके रोहित का अकाउंट बनाएंगे, ग्रुप में क्या लिख देंगे, SUN सैंडी क्रिएटर। इसको नो करेंगे और दो बार अपने कीबोर्ड पर F2 बटन दबा के सेव करें। किस आईडी से दे रहे हो या क्या चलान नंबर, मैंने बोल दिया आज की तारीख R-09-04-2016, ये चलान नंबर बना दिया मैंने, मतलब उसका पहला लेटर और देन आज के लिए आ गया कि मतलब इस आईडी से माल देना। क्या क्या माल देना, उसने बोला 16-16 से कितना देना है, 800 मीटर। देन चैन कितना देना है, 15,000, तो हम 15,000 लिख देंगे। चैन के बाद अस्तर कितना देना है, 1500, तो 1500 डाल देंगे। उसके बाद हमने कितना दिया उसको, बटन कितना, 20,000। तो यहाँ 20,000 डाल के हम सेव कर देंगे, हो गया सेव। अभी स्टॉक हमारा नेगेटिव जा रहा है, क्यों जा रहा है नेगेटिव, अभी ध्यान से देखते हैं। बटन कितना हमारा, 1600, वहाँ 15 चढ़ाई, हम कंट्रोल F9 दबाएंगे, कीबोर्ड पे F5 बटन दबाएंगे, और यहाँ पर हमने 1500 करी, इसको हम 15,000 कर देंगे, और सेव कर देंगे। सेव हो गया, एक बार स्क्रैप करके वहीं जाएंगे दोबारा, एंटर एंड देन अब सेव करें, हो गया सेव। तो हमने कितना दे दिया रोहित को, कितने का माल दे दिया रोहित को, हमने 1,85,000 रुपये का माल दे दिया, जितनी कितनी क्वांटिटी दी है टोटल उसको मैंने, 37,300 की। अब 24 तारीख को वो आया है और कह रहा है, हाँ सर, हाँ जी, वो हो गई सर, जैसा आपने बोली थी ना उसके हिसाब से फाइल बन गई है आपकी वो, बट एक कंडीशन दिक्कत दे रही है, वो अभी एक प्रॉब्लम आ रही है, वो अभी डिस्कस करके ना मैं रिजॉल्व करके आपको बताता हूँ। ओके सर, मैं आपको मेल ही करूँगा, ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट, आप कहाँ जाएंगे, मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी, कब, वो तारीख डाल देंगे यहाँ पर, 24 तारीख को बना के लाए हैं, 24 तारीख देंगे। अब वाउचर नंबर कोई है तो डाल दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब आता है, अब क्या लेंगे इसमें, रिसीव आफ्टर जॉब, हम उससे कब रिसीव करेंगे, जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट होके आएगी, तो हम क्या करेंगे, रिसीव आफ्टर जॉब वर्क। पार्टी का नाम क्या है, रोहित ही नाम आएगा, तो रोहित डाल देंगे, ठीक है। अब क्या आइटम बना के लाया, हमने दिया था उसको कपड़ा, लेकिन बना के क्या लाया, बैग। क्या बना के लाया, बैग। तो हमेशा यहाँ पर F3 करके आइटम बनाएंगे, किस नाम से, बैग। और ग्रुप में क्या लिख देंगे, जनरल ग्रुप में लिख देंगे हम पीस, और दो बार F2 बटन दबा के हम सेव कर देंगे। इसका मतलब ये क्या बना के लाया, ले गया कपड़ा बना के लाया, कितना, बैग, कितनी पीस, 400। हम यहाँ पर डाल देंगे 400। देन जैसे एंटर मारेंगे एक पॉपअप आएगा,
जितने आईडी के हिसाब से हमने इसको माल दे रखा उस साइलेश हमें यहाँ शो हो जाएगी। हमने कहा कि 9 तारीख को तुझे इतने इतना माल दिया था आपको, उसने बोला जो आपने मीटर दिया था उसमें आपने 600 मीटर कपड़ा लगाया, कितने लगाया 600, तो हम यहाँ 600 डाल देंगे। चैन कितनी लगाई है, चैन 1500 लगाई तो 1500 डाल देंगे। अस्तर कितना लगाया 650, तो हम 650 डाल देंगे। बटन कितना लगाया हमने 2500 डाल देंगे। तो हमने टोटल कितने क्वांटिटी लगा दी 5250 और कितने का माल 55500, यहाँ पर सेव कर देंगे। और कैसे, तो एक पीस की रॉ मटेरियल कितने लगाए 138.75 रुपये। अब इसकी मेहनत के पैसे भी देने, इसकी मेहनत के पैसे कितने देने 115 रुपये। तो F2 से नीचे आएंगे, यहाँ बनाएंगे F3 करके वही जॉब पर। लेकिन हम हमेशा इसको यस करते आ रहे थे, आज हम इसको यस करें, क्यों, क्योंकि इस समय हम कहाँ पर हैं, मटेरियल रिसीव पे हैं, तो हम इसको यस करेंगे, हम इस पर जाएंगे। बाकी सेरा सेम वही जो आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया है। ग्रुप में क्या डालेंगे, एक्सपेंस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, क्यों, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस शीट में ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट साइड को इफेक्ट डालो। यहाँ क्या करेंगे, पर मैन क्वांटिटी और सेव कर, कितने ले रहे हैं एक पीस के 115 रुपये, तो 115 रुपये डाल देंगे। तो कितने की कॉस्टिंग, उसकी मेहनत के पैसे कितने हो गए 46,000। अब मुझे पता करना है कि एक्चुअल में कॉस्टिंग कितनी आई एक पीस की, तो हम क्या करेंगे, कॉस्टिंग इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंस प्लस उसकी मेहनत के पैसे जोड़ देंगे। तो हमें पता चलेगा एक पीस की कॉस्टिंग कितनी आ गई 253.75 रुपये। तो एक पीस में बनने की लागत कितनी आई, अगर हम इन दोनों खर्चों को जोड़ देंगे तो हमें एक पीस की लागत पता चलता है। एक पीस की लागत कितनी आई 253.75 रुपये। दूसरा तरीका है कि आप टोटल अमाउंट को, इस अमाउंट को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, टोटल अमाउंट वो भी जोड़ सकते हैं, भी करते हैं अमाउंट ट्रांसफर में कैसे ऐड करेंगे, कौन सा, जैसे हम जब पीस का पूरा रेट निकल जाता है उसके बाद 1 या 2 रुपये पर पीस पे पूरे ऐड करते हैं, तो वहाँ से कर देते हम लोग अभी ट्रांसफर से, हाँ तो हाँ कॉस्टिंग में डाल, ठीक है निकाल लोगे। अब इसको सेव कर, हो गया सेव, क्लियर। अब उसने बोला ऑल पेमेंट पेड बाय 28/4, तो कब पे करनी है, हम 28 तारीख में जाएंगे और किसको पे करेंगे, हम रोहित को, कितने पैसे करने पे 46,000 रुपये दे दिए हमने पूरे पैसे। अब सर क्या था ये बता कि उस पर कितने का माल यहाँ बचा हुआ है, क्या है कितने का उस पार्टी में माल रुका हुआ है, अपने आप कितने का माल उसको इशू करा था, यहाँ पर आके 1,85,000 का माल इशू करा था ना, कहा था 1,85,000 का, उसने लगाया कितने का माल है 52,000 कुछ का लगाया उसने माल, 55,500 का माल लगाया, तो बाकी रिमेनिंग तो उस पर माल होगा, तो कितनी कितनी आइटम उस पर बची हुई, तो कहाँ से निकालेंगे आप, डिस्प्ले के अंदर आओगे, जॉब वर्क रिपोर्ट के अंदर आउटसाइड, और यहाँ से देखोगे जॉब समरी, पार्टी वाइज आइटम है, मैंने बोला पार्टी वाइज, कौन सी पार्टी, उस पार्टी का यहाँ नाम डाल देंगे एंड देन आप इंटर मार के देखिए। ये बता रहा कि मैंने इस आईडी से इतना 15,000 उसको इशू करा था, इतना उसने लगा दिया और बचा कितना, इतना बचा है, फिर इस आईडी को मैंने अस्तर इतना दिया था, इतना लगा दिया, इतना बचा है। सीएल मतलब होता है क्लोजिंग, ये मतलब होता है एडजस्टमेंट, और ये होता है इशू। देन अब मुझे पता करना है कितने लाख का माल बचा था, यहाँ से वैल्यू को अनेबल कर लीजिए, तो ये बताएगा आपने कितना इशू करा था, आपने 1,85,000 रुपये का माल इशू करा था, क्या करा था 1,85,000 का इशू करा था, 52,500 क्वांटिटी आपने लगा दी, कितना बैलेंस हुआ उसका 55,500, तो आपके पास एक्चुअल में बैलेंस कितना बचा हुआ उस आइटम का 1,29,500 का माल उसके पास रुका हुआ है, ठीक है। क्या आइटम बना के लाया है उस टॉपिक को अनेबल कर दीजिए, ठीक है इतना था। तो हम यहाँ से सर को समरी निकाल के देंगे कि इस पर ये माल रुका हुआ है। देन अब स्टॉक स्टेटस में अगर नॉर्मल स्टॉक पूछे कि हमारे पास कितना है, तो कहाँ पर आओगे, स्टॉक स्टेटस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस करोगे तो बचा हुआ माल दिखाएगा, डिटेल करोगे तो कितना आया था, कितना इशू हो गया, कितना बचा है, तो आपको यहाँ बताएगा एक्चुअल में, ये वैल्यू वैल्यू ले भी सकते हैं, ठीक है। देन तो अपनी स्टॉक की रिपोर्ट यहाँ से देखते हैं, कोई दिक्कत आगे समझ में। देन नेक्स्ट इसमें ही कुछ चीज़ें आगे चलते हैं, मैं रोज आपको बता दूँ, किसी एक पार्टी का लेयर देखना तो क्या करते हैं, ओल्ड प्लस एल दबाते हैं, क्या दबाते हैं ओल्ड प्लस एल, उस पार्टी का नाम डालेंगे एफ टू करेंगे, उसका प्रिंट देना तो कंट्रोल पी इंटर, कंट्रोल पी डाल के फिर भी निकाल देंगे इसका, ठीक है। अब इसी बिल को एक्सप्लेन करना है तो क्या बोलोगे, सर इसका ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं था, मतलब पहला बैलेंस इसका कुछ भी नहीं था, हमने 9 तारीख को इस अमाउंट से 1,00,000 इतने का माल खरीदा, 1,35,000 रुपये का माल खरीद लिया, फिर 9 तारीख को इस बिल से परचेज करा कितने का 55,000, टोटल हमारी परचेज कितनी होगी इस पार्टी से
190,500, हमने कितना बैलेंस को दे दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो बैलेंस कितना देना है इसको हमें, 190,500 सीआर। सीआर मतलब होता है देना, ठीक है। देन नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो इससे ही रिलेटेड, अगर मालिक पूछता है कि एक दिन में आपने क्या क्या एंट्री मारी है, तो कहाँ से दिखाएंगे, अकाउंट के अंदर डे बुक। डे बुक क्या होती है, जो हमें बताती है एक दिन के अंदर आपने क्या क्या एंट्रियाँ करी हैं, ठीक है। तो आप डे बुक में आओ वन, तो आप यहाँ से देखो दिख जाएगा, तो ये पता चलेगा आपने 4 तारीख को 2 एंट्री करी है, 8 तारीख को। देन आप इसका प्रिंट, अगर आप नो करोगे तो आपको अकाउंटिंग के हिसाब से आएगी, किसके हिसाब से आएगी, अकाउंटिंग के हिसाब से। लेकिन अगर आप कंट्रोल इसको यस करोगे तो आपका जैसे डे वाइज आ जाएगी, आप प्रिंट में देखोगे तो आप ये देखो 1-4 को कोई एंट्री नहीं, 4-4 को आपने कितने की एंट्री करी, 1.5 लाख रुपए का राम से खरीदा है, और फिर कितने से खरीदा है, सुनील से। तो आपने 1 तारीख कितने का परचेस करा, 2,05,000 रुपए का, ठीक है। इसको इतना देना है और इतनी आपकी परचेस हो गई, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है। आपको कहता है मुझे डेटर की लिस्ट निकालो कि डेटर से कितना लेना है, डेटर को कितना देना है, तो आप कहाँ पर आओगे, अकाउंट समरी के अंदर, कंसोलिडेटेड समरी, अकाउंट वाइज ग्रुप अकाउंट, और यहाँ से ग्रुप का नाम डाल दें। छोटे मोटे एक्सपेंस अब ये बोल रहे हैं कि हमारी एक पीस की लागत कितनी आ गई, इसको जोड़ने के बाद एक पीस की लागत आ गई 253.75 रुपए। अब छोटे कल्चे जोड़ लें तो आप स्टॉक ट्रांसफर में आ जाओ, आपके पास मेन स्टोर से शॉप पे ले आओ, और अलग से जो एडिशनल एक्सपेंस है उसी आइटम में आप जोड़ दीजिए। माल किस पे समय आपका, हमने 24 तारीख को एंट्री करी है ना, हम उसके बाद की डेट डालेंगे हमें आगे 400। अलग से खर्चे कितने हैं, यहाँ पर F3 करके बना लो एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस के नाम से, बस एंट्री कर दो। देन नेक्स्ट हमें अगर डेटा की लिस्ट निकालनी तो कहाँ से निकालते हैं, उसकी पेमेंट से एंट्री कर, जैसे कॉफी की चाय के अलग से खर्चे यहाँ से एंट्री कर, इधर हाँ ओटे बुक, ठीक है। नेक्स्ट कोई डेटा की लिस्ट मांगे तो कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालोगे, ठीक है। अगर आइटम का ओपनिंग बैलेंस चढ़ाएं तो कहाँ से चढ़ाते हैं, यहाँ से चढ़ाते हैं, ठीक है। और अकाउंट चढ़ाएं तो हमें यहाँ से चढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप लोग बैठ के इसके एक बार प्रैक्टिस कर लो, आप 3-4 के 4, ठीक है। नेक्स्ट कंपनी को मैं यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ।